Subscribe the TechnoTech Guruji YouTube channel and press the bell icon for latest videos or notifications. हे और सब दोस्तों, मैं हूँ रॉकी। अब सभी लोग वॉच कर रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक गुरुजी। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ अब अपने एंड्रॉइड डिवाइस के लिए। गाइस, एंड्रॉइड डिवाइस में जो GTA है गाइस, ग्रैंड थीफ ऑटो सैन एंड्रियास, उसमें आप कैसे अल्ट्रा 4K ग्राफिक्स वाला मोड डाउनलोड कर पाएंगे। गाइस, मैं आपको आज वही मोड देने वाला हूँ। गाइस, मैं जो कम्युनिटी पे पोस्ट किया था वो गाइस मैं आपको वही देने वाला हूँ आज। ओके गाइस, तो आपके सामने इसका गेम प्ले चल रहा है। ऑलरेडी आप खुद अंदाजा लगा सकते इससे ग्राफिक्स कितना हाई है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। ओके गाइस, तो मैं गेम प्ले को ज़्यादा देर तक रिकॉर्ड नहीं कर सका, तो गाइस आपके सामने थोड़ा ही गेम प्ले चलेगा। वो गाइस, तो आप ऑलरेडी गेम प्ले को देख रहे होंगे। गाइस, मुझे आप लोग कमेंट कर बताना आप लोगों को ये गेम कैसा लगा, मतलब इस गेम का मोड कैसा लगा। ओके, तो गाइस मैं और एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग हो क्या, मतलब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सिर्फ मोड को डाउनलोड करते फिर मुझे कमेंट करते भाई ये गेम नहीं चल रहा हमारे डिवाइस में। भाई वो लोग मुझे कमेंट करेंगे एंड्रॉयड डाटा में हम लोग पेस्ट किया फिर भी गेम नहीं चला। भाई इस गेम को सिर्फ इसका मोड फाइल है, इस गेम को चलाने के लिए आपके फ़ोन में ऑलरेडी पहले से ही आपको GTA SA या GTA SA का लाइट वर्जन इंस्टॉल्ड होना चाहिए। हाँ गाइस, पहले से आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में वो गेम रहना चाहिए फिर ये मोड काम करेगा। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं सिर्फ मोड को डाउनलोड करते फिर कमेंट करते हैं भाई ये गेम नहीं चल रहा है। तो भाई आपके फ़ोन में पहले ही ये जो गेम आपको आपके एंड्रॉयड डिवाइस में होना चाहिए, नहीं तो ये गेम वर्क नहीं करेगा, मतलब ये मोड वर्क नहीं करेगा। ओके, तो गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस मोड का मोड पैक का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सिंपली लिंक पे क्लिक करके इस मोड पैक को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके गाइस, तो इसका अंदर मतलब जो फाइल है उस फाइल के अंदर मैंने पासवर्ड लगा के रखी है। तो गाइस पासवर्ड मैं वीडियो में बताने वाला, तो आगे वीडियो आप देख लेंगे तो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं मोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं। गाइस आपको पता ही होगा कैसे डाउनलोड करते हैं मोड पैक को गूगल ड्राइव के लिंक से, आपको तो पता ही होगा। ओके, तो गाइस हम लोग अभी चले आते हैं हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर और हम मोड को इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो गाइज आपको करना क्या है कि आपको JRChiever गाइज डाउनलोड कर लेना। गाइज JRChiever का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सिंपली प्ले स्टोर से जाकर भी डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, तो गाइज फिर आपको जाने आप गेम को जहाँ पर डाउनलोड किया गया बाबा चले जाइए। जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था गेम फोल्डर के अंदर, मतलब बनाया था। ओके, तो गाइज ये पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको एक्सट्रैक्ट कर रखा था। ओके, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी फिलहाल, इसको हम डिलीट कर देंगे। गाइज डिलीट कर देने के बाद गाइज आपके सामने कुछ इस तरह का फोल्डर दिख रहा होगा। गाइज आपको डाउनलोड करने के बाद इस तरह का फोल्डर आएगा GTA SA 4K मोड पैक। फिर आपको गाइज इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। गाइज एक्सट्रैक्ट करने के समय आपके पास पासवर्ड मांगेगा। गाइज पासवर्ड में आपको स्मॉल लेटर में लिखना है बाय, फिर आपको कैपिटल लेटर में TTGRAKI। गाइज आपको ध्यान में रखना है गाइज पासवर्ड यही है। गाइज आपको पूरी तरह से यही पासवर्ड आपको डालना होगा, नहीं तो आपका जो गेम के अंदर जो मोड पैक है वो और नहीं करेगा। ओके, तो गाइज आप देख सकते हो बाय TTGRAKI भी। ओके, फिर आपको ओके में दबा देना है। गाइज ओके में दबा देने के बाद आपके सामने जो फाइल एक्सट्रैक्टिंग होना शुरू हो जाएगा। गाइज इसके अंदर जो फाइल है गाइज TXDB के अंदर GTA 3 और यहाँ पर कुछ फाइल आपको चेंजेस करना है इसके अंदर से। आपका माली है तो गाइज आपको माली, आपका जो माली CPU है मतलब GPU आपको माली होगा तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड में चेंज करने की जरूरत है। जैसे कि मेरा ए फोन है एंड्रीनो तो मुझे अभी चेंज करना पड़ेगा। आपका जो पावर वेयर है तो गाइज आपको पावर वेयर में भी चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चेंज करके क्या क्या लिखना है। आपका माली हो तो गाइज आपको ETC लिखना है, सिंपल बात आपको ETC लिखना है तो ETC आपको ऑलरेडी लिख वापर आपको मिल जाएगा। और आपको जो आपका एंड्रीनो तो आपको लिखना है DXT, आपको वो रीनेम करके लिखना होगा DXT। ओके, आपका पावर वेयर है तो आपको लिखना है PVR। गाइज मैं आपको एक बार मैनुअली बता देता हूँ, मतलब दिखा देता हूँ। तो हमारा एक बार एक्सट्रैक्ट हो चुका, फिर गाइज आपको इसको कर लेना है कट। आपके इंटरनल में स्पेस है तो आप इसको कॉपी भी कर सकते। फिर आपको जाना एंड्रॉइड डाटा में आपको पेस्ट कर देना है। ओके, हम इसको ऑलरेडी पेस्ट कर रखे तो हमें फिर से पेस्ट करने के बाद गाइज उस फोल्डर के अंदर जाइए जहाँ पर आप गेम मतलब जिस मोड आप पेस्ट के बाद फोल्डर के अंदर जाइए computer.rockstar.gta.sa। जाने के बाद गाइज अब फाइल के अंदर जाइए। फाइल के अंदर जाने के बाद आप गाइज आपको जाना है TXDB। फिर गाइज इसके अंदर GTA 3 गाइज आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है DXT ETC। गाइज यहाँ पर DXT ETC जो फाइल है गाइज आपके सामने सिर्फ ETC लिखा है। गाइज आपको ETC को चेंज करने आपको लिखना है DXT। गाइज ओके, आपके सामने सिर्फ यहाँ पर ETC शो होगा, आपके सामने जो DXT का फोल्डर है गाइज आपके सामने जो DXT वो शो नहीं करेगा। मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। गाइज आपके सामने इस तरीके का फोल्डर रहेगा GTA 3 ETC। आपका माली है तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका पावरवेयर तो आपको पावरवेयर होगा तो आपको लिखना है PVR। आपका ऐसे एंड्रॉइड तो आपको लिखना है DXT। ओके गाइज DXT लिख दीजिए, मैं आपको सभी को रीनेम करके दिखा देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ DXT। गाइज आपको यहाँ पर जो तीनों फोल्डर तीनों फाइल है तीनों फाइल को भी यहाँ पर DXT करना है आपका एंड्रॉइड हो तो। ओके,
हमारे पास DXT लिख देते गाइस। और फिर आपको क्या करना है कि आपको जाने टेग, आपको मोबाइल और प्लेयर में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको जाने TXD पे, कस TXD पे भी आपको सेम इसी तरीके देखने को मिलेगा, यहाँ पर TXD नहीं रहेगा, आपको सिर्फ ETC यहाँ पर रह जाएगा। आपको गाइस ETC को कर लेना है रीनेम गाइस। आप यहाँ पर जो यहाँ पर DXT लिखा हुआ ना गाइस, आपको यहाँ पर आपका माल है तो आपको लिखना है ETC, आपका पावर वेयर है तो PVR, आपका एंड्रॉइड है तो DXT। ओके गाइस, आपको मुझे पता होगा आप लोग ये समझ चुके हैं। फिर गाइस आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है और आपका जो GTS है उसको डायरेक्टली ओपन कर लेना है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो हमारा GTS है अभी ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर थोड़ी देर आपको वेट करना है, नहीं तो ये गेम वर्क नहीं करेगा। मतलब स्टार्ट तो होने दीजिए आप, और फिर ऑफलाइन में क्लिक कीजिए, फिर आपके स्टार्ट गेम पे क्लिक कर दीजिए, फिर आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट कीजिए तो आपके सामने एक गेम वो फुली वर्क करने लगेगा। गाइस ये जो 4K मोड है ना यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आप इंस्टॉल करके देखिएगा आपके एंड्रॉइड डिवाइस में, तो आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर हमारे सामने पहले इंट्रो आ रहा है गेम का, तो हम इंट्रो को हम थोड़ी देर स्किप कर देंगे, मतलब इंट्रो हम नहीं देखेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जो मोड पैक यहाँ पर इंस्टॉल्ड होकर आ चुके हैं। गाइस यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुद ही अंदर जा लगा सकती है मोड पैक को देख के। ओके गाइस, तो आप तो आए पर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा गाइस, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा यार गाइस, प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके यार गाइस, तो यार गाइस जय हिंद, वंदे मातरम, आपसे फिर मुलाकात होगी गाइस दूसरी वीडियो पर। ओके।